तो गाइज मैं आ चुका हूँ चूचू चार्ल्स की एक और वीडियो के साथ। आज हम देखने वाले हैं चूचू चार्ल्स की टॉप 6 सीक्रेट लोकेशंस, और जो लास्ट वाली है वो किसी ने सोची ना होगी। तो हाँ, सीक्रेट लोकेशंस के साथ एक ईस्टर एग भी है। ये नल्ला आ गया फिर से, भैंस की आंख इसकी, आजा बच्चे। तो गाइज आज की सीक्रेट लोकेशन है ये, तो यहाँ पे चलते हैं फटाफट। मैं कुछ ज्यादा ही आगे आ गया वहाँ से, फटाफट से वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या है। मतलब वो सीक्रेट लोकेशन मैंने ढूंढी है, मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे क्या है। तो गाइज हम हमारी लोकेशन पे आ चुके हैं पहली। अब फटाफट से चलते हैं अपनी लोकेशन पे, पहली सीक्रेट लोकेशन पे, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। बस यार चार्ल्स नहीं आना चाहिए। वैसे तो मैंने इनफाइनाइट एचपी कर रखी है, बट यार एक उसकी शक्ल देखो यार, बट उसकी शक्ल से ही डर लगता है भैंस की आँख। तो गाइज हम आ चुके हैं हमारी सीक्रेट लोकेशन पे। आपको यहाँ पे एक घर मिलेगा, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है। और एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे एक चेस्ट मिलेगी इस घर के अंदर, जिसके अंदर होंगे 7-8 स्क्रैप्स, तो आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर एक नोट भी पड़ा होगा, तो आप इसे एक ईस्टर एग भी मान सकते हो। इस नोट में लिखा हुआ है, समवन फ्रॉम द मॉब जस्ट स्पॉटेड माई राफ्ट, सो आई कांट रिस्क वेटिंग फॉर यू, दे आर विल बी बैक एनी टाइम नाउ, आई एम सॉरी आई कुडंट। भाई बहुत इंग्लिश लिखी है ये बंदा। मैं सीधा मेन टॉपिक पे आता हूँ, ये बंदा यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन जो बंदे होते हैं बंदूक लेके वो उसे भागने नहीं देते। और उसका हाल मैं बताऊँ क्या होता है उसका हाल। ये रही उसकी राफ्ट और ये किया उसका हाल, उसको उसी के चप्पू से चेप डाला। भाई साहब क्या ही गलत सीन किया बेचारे के साथ। इसकी राफ्ट खड़ी है यहाँ पे, उसकी राफ्ट में बैठा ही था बेचारा, उसको मार दिया। तो गाइज अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट सीक्रेट लोकेशन पे। तो गाइज हमारी नेक्स्ट लोकेशन जो है वो ये है, और हाँ हम उसके पास, ये कौन है भाई सामने, रेड लाइट है या चार्ल्स है? मुझे सामने से लेफ्ट लेना है, फिर मुझे यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको कुछ एक सीक्रेट चीज़ दिखानी है। नहीं नहीं वो टीन का डब्बा नहीं दिखाना मुझे, मुझे आपको उसके भी ऊपर एक चीज़ दिखानी है। तो यहाँ पे मोड़ तो अभी तक आया नहीं है, शायद सामने आएगा, मैं दूर हूँ शायद मोड़ से। हाँ आने वाला है गाइस, उससे अपने को लेना है लेफ्ट, और मैं वहाँ पे दिखाऊंगा आपको एक सीक्रेट लोकेशन जो आप में कभी ध्यान नहीं दी होगी। आपने गेम प्लेस देखे होंगे कई सारे, लेकिन आपने उस जगह पे ध्यान ही नहीं दिया होगा। और उस जगह पे चाल सबसे ज़्यादा घूमता है भाई, मतलब एक टाइप से उसकी फेवरेट जगह है वो। फटाफट से चलते हैं भाई। अबे 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 चलो। तो गाइज हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे। अब मैं फटाफट से चल के आपको दिखाता हूँ मैं क्या लोकेशन है वो, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा उस जगह पे। इस जगह पे अपना एक मिशन होता है जहाँ पे अपने को टूल किट लाना होता है, लेकिन इसके ऊपर एक जगह है मस्त सी जो आपने कभी देखी नहीं होगी। इस जगह की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक ब्रिज रहता है। ओके ये देखो, ये यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज है जो किसी ने भी ध्यान, ये बंदे को पिछली बार मारा था मैंने, ये वापस कैसे आ गया यहाँ पे? चल कोई बात नहीं, तो आपको मैंने ये लोकेशन दिखा दी, यहाँ पे एक ब्रिज रहता है, लेकिन ये ब्रिज किस लिए बनाया वो मुझे पता नहीं भाई। ये ब्रिज पता नहीं किस लिए बनाया गया है यहाँ पे। ओके तो चाल सामने घूम रहा है, वो इसी तरफ आ रहा है, अपने लगने वाले हैं अब। तो गाइज हमारी नेक्स्ट लोकेशन जो है वो लाइट हाउस के पास वाला घर, मतलब आपको, आपने कभी ध्यान दिया भी होगा तो आपने इग्नोर कर दिया होगा इस लाइट हाउस के घर पे। मैं आपको एक दिखाता हूँ, यहाँ पे एक घर होता है, मैं लाइट हाउस के पास वाले घर में आया हूँ। इस घर में आपको एक अनोखी चीज़ मिलती है, वो भी दिखाता हूँ मैं अंदर जाके। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कैंप रहता है, यानी कि यहाँ पे मॉब रहता था जो अभी नहीं है यहाँ पे। अंदर जाने का रास्ता, तो गाइस अपन इस घर के अंदर आ चुके हैं, और अपने को थोड़ा सा ऊपर जाना है। और ये देखो यहाँ पे जो चेस्ट रहती है ना, इस चेस्ट में आपको लगभग 4 से 5 जो है स्क्रैप्स मिलते हैं। तो ये भी एक लोकेशन हो सकती है भाई, यहाँ पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया भाई, इस लोकेशन पे आपको स्क्रैप्स मिलते हैं, मतलब 4-5 स्क्रैप तो मिल ही जाते हैं, बाकी 4-5 नीचे जमीन पे पड़े रहते हैं, तो इजीली 10 स्क्रैप तो हो ही जाता है भाई गाड़ी रिपेयर, वो ट्रेन रिपेयर करने के लिए। तो हाँ चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। तो गाइज अपनी जो नेक्स्ट सीक्रेट लोकेशन है
वो है यहाँ पे, मतलब मैप के टॉप लेफ्ट में। नहीं, वो डक वाली जगह नहीं, ये वाली जगह जहाँ पे ये छोटा सा टेम्पल रहता है। यहाँ पे आपको एक चीज दिखाऊंगा मैं बढ़िया सी। भाई स्क्रैप का डब्बा पड़ा है, इसको देख के लालच आता था, लेकिन अपने पास इनफाइनाइट स्क्रैप है यार, अपने को इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं पहुंचता हूँ सीक्रेट लोकेशन पे, फिर आपको बताता हूँ वहाँ पे कौन सी स्पेशल चीज़ है। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपनी लोकेशन पे, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा एक सीक्रेट लोकेशन। बस चाल्स ना जाए भैंस, यहाँ पे एक मॉब भी खड़ा रहता है यार, वो पता नहीं किस चीज़ की रक्षा करता रहता है खड़ा खड़ा। भाई चांद देखो, फटाफट से चलते हैं। और अगर हाँ वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई यहाँ पे मॉब है, यहाँ पे मॉब है, सीटी बजाता रहता है वो, है क्या? अभी तो नहीं है। ओके तो गाइज क्या आपको इस लोकेशन के बारे में पता था, मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे आपको एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर चार पांच स्क्रैप्स होते हैं, ठीक है। वो बंदा पता नहीं, हाँ शायद मैंने मार दिया जिंदा नहीं, लेकिन यार मैंने उसको तो मारा ही नहीं था, मतलब मारा था वो जो ब्रिज वाला बंदा था ना, मैंने उसे मारा था, पता नहीं कहाँ से आएगा वापस। खैर छोड़ो उसकी बात, अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। तो गाइज हमारी सीक्रेट लोकेशन नेक्स्ट जो है वो ये है, ये नहीं है, मतलब ये नहीं है, ये सीक्रेट लोकेशन नहीं है। ये सबको पता है कि यहाँ पे अपने को चार्ल्स नहीं मार सकता, ये चीज़ नहीं बताने वाला हूँ मैं बताने वाला हूँ कि आप उस पत्थर पे भी जा सकते हो। लेकिन हाँ अगर देखो, मैं देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं ऐसे कूद रहा हूँ तो मैं बाहर नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं मोड का यूज़ करूँ और वहाँ पे टेलीपोर्ट मारूँ तो मैं उस पत्थर पे जा सकता हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ करके। लेट्स गो, मैं इस पत्थर पे लगाता हूँ मार्क और मैं जाता हूँ अपनी मोड मेन्यू में, और मैं कर देता हूँ इसे टेलीपोर्ट टू वे पॉइंट। तो ये देखो मैं पत्थर पे आ चुका हूँ, और आप देख सकते हो कि मैं पत्थर पे, भाई यहाँ पे तो चांस बिल्कुल नहीं आ सकता। ले भाई क्या भाई, अलग ही सीन भाई। ये देखो मैं पत्थर पे इजीली घूम रहा हूँ और चांस यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ सकता, मतलब वो वहाँ पे भी नहीं आ सकता तो यहाँ पे कैसे ही आएगा। अगर वो पानी में गिरेगा तो वो पानी में गिर के गायब हो जाएगा, मतलब वो अपनी वो रेंडम लोकेशन पे स्पॉन होगा। और हाँ अगर देखो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, अगर हम पानी में कूदेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। लेट्स गो, ये देखो हम ट्रेन में टेलीपोर्ट हो जाएंगे। तो हाँ अब बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट चीज पे, मतलब नेक्स्ट जो चीज है वो ईस्टर एग है इस मैप का, मतलब इस गेम का ईस्टर एग है जो आपकी रूह कपा देगा, मतलब लिटरली एक चीज है जिससे आपकी रूह कांप जाएगी, वो चीज़ मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ इस गेम के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो गाइज मैं जिस चीज़ के बारे में बता रहा था वो ये है, ये टेम्पल नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये टेम्पल जो है वो यहाँ पर, ये टेम्पल के सामने वाला छोटा सा टेम्पल, लेकिन ये ट्विस्ट नहीं है, यहाँ पे जो नोट पड़ा है वो ट्विस्ट है। इस नोट को ढंग से पढ़ो। गस द बस, बीवेयर द बस, हिज नेम इज गस, इज नॉट ऑन द आईलैंड थर्ड, सो डोंट वरी सो मच, वेन यू गो बैक टू द मेन लैंड डोंट राइड द बस, गस द बस, द गस ही इज बैड एंड फास्ट, चार्ल्स फियर गस। मतलब जो बंद, मतलब गस द बस ये जो बता रहा है ना जिस चीज के बारे में, उससे खुद चार्ल्स डरता है भाई, उससे खुद चार्ल्स डरता है लिटरली। गस द बस से खुद चार्ल्स डरता है, और वो गस द बस यहाँ पे भी नहीं रहती, वो रहती है मेन आइलैंड पे जहाँ से सारे लोग आते हैं, मतलब उन लोगों को पता भी नहीं है कि वहाँ पे गस द बस रहती है। मतलब अगर अपन मेन आइलैंड जाएंगे यहाँ से चार्ल्स को ख़त्म करके, सेकंड पार्ट में दिखाया जाएगा कि वहाँ पे भाई साहब एक अलग ही सीन चल रहा है, वहाँ पे नया मॉन्स्टर आ चुका है, मतलब नया मॉन्स्टर नहीं है वो पुराना ही है, वहाँ के लोगों को पता नहीं है, बस वहाँ की बस राइड नहीं करनी भाई, लिटरली कांड हो जाएगा अपने साथ। तो हाँ यार आज की वीडियो में बस इतना ही था, मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी छोटी है, लेकिन यार क्या ही कर सकते हैं, चूचू चास में बाकी जितनी भी सीक्रेट लोकेशन थी सारी सभी लोगों ने बता दी। मैं आपके लिए स्पेशल खुद 2 घंटे बैठ के ढूंढ के ये सीक्रेट लोकेशंस लाया हूँ और ईस्टर एग्स लाया हूँ। तो यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना। और हाँ अगर आपको ये पेंट की, ये सारे पेंट्स की लोकेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर से बता देना, मैं आपके लिए वो वीडियो भी लाऊँगा। बाय द वे अब अपन कल से चालू करने वाले हैं चूचू चार्ल्स की सिंगल गन चैलेंज, तो हाँ कल दोपहर में आ जाना ज़रूर ज़रूर से याद से, या अगर दोपहर को ना आ पाओ
तो बाद में देख लेना मेरी स्ट्रीम। तो हाँ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट चूचू चार्ल्स की वीडियो या स्ट्रीम में। तब तक के लिए सायोनारा।